नमस्कार, मैं श्यामराव मोखाशी, अध्यक्ष राजाराम बापू पाटिल रिक्शा संघ। और जो आज अपना एक ऐसा वीडियो है कि रिक्शा टैक्सी परवाने का जो वाहन है वो हर साल में दो साल में उसका फिटनेस नूतनीकरण करता है, और एक कानून 2016 में बना था, वो कोर्ट में था, और वो कानून अभी पक्का हो चुका है कि कोर्ट ने वो दोनों भी याचिका थी वो फेटा दिया है और कायदा लागू हो गया है 2017 से, कि जिसका वाहन टाइम में पासिंग नहीं होता कि लेट करता है 2 महीना 4 महीना 6 महीना और वैसा ही वाहन चलाता है, उसको दिन का 50 रुपये हाफ फाइन और उनके खाते पे चढ़ जाता है। अभी बम्बई थाना की देखेगा आप तो मराठी रिक्शा वाले को कोई भी टेंशन नहीं, ये फाइन कितना हो गया कितना बढ़ गया, और रिक्शा वाला बोलता है, मराठी रिक्शा वाला तो बोलता है होने दो। तो वस्तु स्थिति ये है कि मुंबई थाना, मीरा भाईंदर, वसई विरार, इधर मराठी रिक्शा विरार में थोड़ा दिखेगा, थोड़ा तुमको वसई में दिखेगा, मुंबई में घाटकोपर साइड में दिखेगा, थोड़ा मराठी है, मतलब 5-10% ही मराठी है, बाकी 90% ये हिंदी भाषी है, उनको कुछ पड़ी नहीं, वो बोलते हमको पेपर नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, और वो दंड का उनको कुछ भी पड़ी नहीं। तो अभी सरकार कितना दंड मारता है मारने दो, जब उनको ही कुछ समझता नहीं, वही खुल्लम खुल्ला बोलते हैं पेपर नहीं होएगा चलता है, परमिट नहीं होएगा चलता है, हमको गुरु ने परमिट दिया है, गुरु बोला है महाराष्ट्र में किधर भी जाओ, हमने पैसा दिया है, पैसा कमाने के लिए आए हैं। तो गाड़ी बेदरकार चलती है, कायदा हो चुका है, अभी सबका ऑनलाइन पे फाइन जुड़ रहा है, जितना फाइन है उतना भरने के बाद ही वाहन पासिंग हो जाएगा। रिक्शा का ही ऐसा नहीं, वो पर्यटक परवाने को भी है, बस का भी है, जो वाहन लेट पासिंग करता है, ट्रक का भी पासिंग होता है, पानी का टैंकर का भी होता है, तो उसको वो दंड है। और मुंबई थाना के रिक्शा वाले, मराठी रिक्शा वाले कोई भी टेंशन नहीं लेते, वो सीधा बोलते हैं हम गाड़ी चलाते नहीं, और जो चलाते हैं वो तो सीधा बोलते हैं कि हमारा पेपर ओके रहता है, और भैया जी बोलता है 200 रुपये जेब में रखो, हवलदार पकड़ेगा तो 200 रुपये देगा तो आगे जाने का, बस इतना ही। किसको ये कायदा हो गया है किसको भी फर्क नहीं, और भैया जी के गुरु लोग बोलते हैं हम तो बैठे ले हैं, फाइन भर जाएंगे, लाओ पैसा हम भरेंगे, ये तो इसके लिए तो वाहतूक व्यवस्था सुधारता नहीं, और अभी उनको भी कुछ पड़ी नहीं, कायदा समझा के भी लेने का जरूरत नहीं उनको, और दंड होता है वो उनको ही खाली मालूम नहीं, कभी सुनेगा तो सीधा बोलते हैं हमार गुरु हमार परमिट, सब गुरु देखता है। तो अभी देखो ये ऐसी अवस्था है, तो मुंबई थाना में तो किसको भी फर्क पड़ा नहीं, और जो चलाने वाले हैं उनको तो कुछ समझता ही नहीं, कायदे की उनको जानकारी लेना ही नहीं, कोई देता होएगा तो तुम उनको सुनना ही नहीं, ये सब जो ऑपरेट किया जाता है आरटीओ का एक लॉबी है, और आरटीओ अधिकारी वो लॉबी के लिए ही काम करते हैं, ये भी बात उतना ही सत्य है। तो अभी मैं इतना ही बोलूँगा, महाराष्ट्र के सभी वाहन मालक, आप अपना वाहन जो तुम्हारा स्कूल बस होने दो, पर्यटक परवाने की गाड़ी होने दो, तुम्हारा ट्रक होने दो, तुम्हारी रिक्शा होने दो, टैक्सी होने दो, आप टाइम के पहला 1 महीना फिटनेस नूतनीकरण करो, आप दंड से बचो, टाइम में पासिंग करेगा तो सावलदार ने फोटो भी निकालेगा तो वो फाइन नहीं चढ़ता, आपका इंश्योरेंस भी खत्म हो गया तो भी 4000 जुड़ता है, टाइम में इंश्योरेंस भर दीजिए, PUC टाइम में कर दीजिए, तो हवलदार ने फोटो निकाला तो खाली 200-400 रुपये फाइन पड़ेगा, समझो नो एंट्री का है, नो पार्किंग का है, वही पड़ेगा, नहीं तो भाड़ा रिक्वेस्ट का है।
फिर बाकी के फाइन ऑनलाइन पे जुड़ चुके हैं और इनका मुंबई थाना के रिक्शा वाले को कुछ पड़ी नहीं, क्यों जिसको पड़ी है वो रिक्शा चलाते ही नहीं। तो मराठी लोग तो सीधा बिंदास बोलते हैं, कितना भी होने दो, 1000 रुपये दिन का हो जाएगा तो भी हमको फर्क पड़ता नहीं, हम गाड़ी ही चलाते नहीं। और जो चलाते हैं थोड़ा 5-10% है वो बोलते हमारा पेपर अपडेट है। अरे भैया जी 95% 90% गाड़ी चलाते हैं वो बोलते हैं हमार गुरु हमार रिक्शा। हवलदार क्या करते हैं, हवलदार पेपर ही तपस्ता नहीं, हवलदार को 200 देगा, आगे चलो। बस वही तो बात है, इसके लिए सेवा सुधर की नहीं, यही तो राज है, परमेत राज। ये राज कभी टूटेगा, कैसा टूटेगा, यही तो गड़बड़ है। धन्यवाद। मूठ वाले मुकाशी यूट्यूब देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।